हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट स्टॉक्स टू बाय एट प्रेजेंट मैं आपको बता दूं मार्केट अभी भी काफ़ी ज़्यादा वॉलिटाइल हमें दिखाई देता है हाउएवर जो स्टॉक्स है स्पेसिफिक स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज में आपको काफ़ी अच्छा एक्शन देखने के लिए मिला है वही कुछ स्टॉक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं जो भी कंटेंट हम इस चैनल पे रखते हैं दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट और अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियोस रखी थी इन रिलेशन टू वर्डाफोन आइडिया एफ पी ओ एज वेल एज बेस्ट ब्रेकआउट स्टॉक्स टू बाय जहाँ पे हमने डिस्कस किया था के पी ग्रुप के स्टॉक्स को आदित्य बिरला के मनीष के स्टॉक को तेजस नेटवर्क के स्टॉक को जियो फाइनेंशियल जस्टाइल ट्रीमेंडस ग्रोथ एंड ट्रिमेंडस रिटर्न राइट मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ आइडिया के चार्ट आइडिया का जब स्टॉक हमने डिस्कस किया था अराउंड ट्वेल्व पॉइंट एट जीरो रूपीज एफ पी ओ क्लोज होता है और आज के दिन एक मैसिव ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है हमें idea के स्टॉक स्टॉक में टेक्स प्राइस टू और मैं आपको बता दूं अगर आपको एफ पी ओ में अलॉटमेंट मिलता है द एफ पी ओ प्राइस और द ए पी ओ लिस्टिंग प्राइस विल गोइंग टू बी मैच विदिया करेंट मार्केट प्राइस एफ पी ओ का जो कट ऑफ प्राइस था दैट वॉज इलेवन रुपीज इलेवन रुपीज के ऊपर जितना भी प्राइस अगर आइडिया का जाता है और वो मैच होता है तो वो आपका प्रॉफिट होने वाला है साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था जस्टाइल के स्टॉक को एंड कंटिन्यूसली आपको बताया था दट जस्टाइल हैज गिवन रियली ग्रेट रिजल्ट्स और आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने रेडार पे रखना चाहिए द स्टॉक हैज गिवेन अ मैसेव रनअप फ्रॉम लास्ट थ्री टू फोर ट्रेडिंग सेशन आज के दिन स्टॉक हमें फ्लैट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया और मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी भी काफी पोटेंशियल बाकी है अगर ये स्टॉक कुछ दिन के लिए साइडवेज हो जाता है और अपने इन अंदर एक इनसाइड कैंडल्स फॉर्म करने लगता है तो यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का आपको ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है ऑन द लेवल अब वन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी रूपीज तो आपको ऐसे स्टॉक्स को रडार पे रखना चाहिए जहाँ पे मोमेंटम अच्छा है जहाँ पे रिजल्ट अच्छे हैं और फ्यूचर आउटलुक आपको पॉजिटिव दिखाई देता है राइट सो द फर्स्ट स्टॉक इन दिस वीडियो विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस के पी आई ग्रीन द स्टॉक रिजल्ट आर नॉट आउट येट बट जितने भी जितनेपी ग्रुप के स्टॉक्स है दे हैव गिवन क्वाइट गुड रिजल्ट बीट के पी इंजीनियरिंग के पी एनर्जी जो हमने कल के दिन डिस्कस किया था और आज के दिन मुझे लगता है कि एक एनर्जी सेक्टर में काफी तेजी आपको देखने के लिए मिल सकती है वेदर बी इट ग्रीन एनर्जी वेदर बी इट पावर सेक्टर स्टॉक्स और वेदर बी इट द ट्रांसफॉर्मर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज राइट तो ये जो सेक्टर है वो आपके रडार पे डेफिनेटली होना चाहिए हमने आपके साथ ट्रेल ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर का स्टॉक डिस्कस किया था सिल्चर इंडस्ट्रीज का स्टॉक right? तो है आज के दिन एक नया 52 टू वीक हाई लगाता हुआ हमें दिखाई दिया है एंड द स्टॉक परसेंट रिटर्न इन अगल डे राइट और अगर आप देखे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से तो यहाँ पे एक काफी अच्छे राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट देखने के लिए हमें मिल रहा है तो कल के दिन अगर ये स्टॉक इनसाइड खुलता है रफली अराउंड 1910 और 1900 हंड्रेड और उसके बाद 1913 का लेवल ब्रेक करता है इस कैंडल का हाई या आज का हाई ब्रेक करता है तो यहां पे आपको फर्दर टू थाउजेंड तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं

क्विक मनी के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप के पी आई ग्रीन को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस जरूर कर सकते हैं द सेकेंड स्टॉक विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो वॉज ऑफ आई बी रियल स्टेट राइट पर्सनली आई एम होल्डिंग आई बी रियल स्टेट स्टॉक फ्रॉम द लेवल ऑफ सिक्सटी फोर रुपीज और अभी भी ये मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है

रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं ट्वेंटी डेज मूविंग एवरेज या फिर आप यूं कह लीजिए जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 128 130 के लेवल पे उसे रीटेस्ट करने ये स्टॉक आता है और फिर उसके बाद आज के दिन एक काफी अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलता है दिस शोज दैट जो आपकी कंपनी थी वो जो ब्रेकआउट दे रही है दोज आर नॉट फेक और अगर आप देखें तो यहाँ पे एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग होने के बाद स्टॉक ने फिर से अपवर जर्नी स्टार्ट की है तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक इनिशियली ऑन अ स्मॉल टाइम फ्रेम आपको 150 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है 150 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट कर दे तो वन हंड्रेड सेवेंटी गोइंग टू बी माई नेक्स्ट टारगेट द स्टॉक्स लुक प्रोमिनेंट और जिस हिसाब से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपनी मोमेंटम दिखाई है मुझे लगता है 190 100, 190 टू टू 200 रुपीस का जो एक जोन है वहां तक इन कमिंग मंथ्स ये स्टॉक पहुंच सकता है द थर्ड स्टॉक विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस इन दिस ऑफ एच पी एल पावर अगेन एक इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है राइट right, यहाँ पे भी डबल बॉटम हमें बनते हुए दिखाई दिए है लेटमी जस्ट गेट एच पी एल पावर यस सो so, आप देख सकते हैं आज के दिन दिस स्टॉक वाज अप बाय 8.29% डिस्पाइट बीइंग स्टॉक बीइंग दिस अप मुझे लगता है यहाँ पे एक काफी अच्छी रैली बन सकती है और यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होने के लिए भी मिल सकता है दिस वाज द फर्स्ट बॉटम राइट एंड दिस वाज द सेकंड बॉटम एंड द प्राइस इज स्टिल शिफ्टिंग अपवर्ड्स जो इस पर्टिकुलर स्टॉक को चार सौ रुपये तक के लेवल पे लेके जा सकता है इन कमिंग वन टू टू डेज कंपनी के जो वॉल्यूम अगर आप देखें तो वॉल्यूम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे देखने के लिए मिलती है और दिस वॉल्यूम शोज दैट द स्टॉक इज रेडी टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम हेयर कंपनी के रिजल्ट मुझे लगता है अच्छे आ सकते हैं एंड यू कैन सी दैट दर इज अ न्यूज़ दैट इंडियन एच पी इलेक्ट्रिक एंड पावर अपॉन दे हैव लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट जिसके वजह से आपको ये मोमेंटम भी देखने के लिए मिला है काफी ज्यादा एक्सटेंडेड नहीं है वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दे रहा है तो आपको इस स्टॉक को भी अपने रेडार पे डेफिनेटली रखना चाहिए तो ये तीन स्टॉक्स थे जो मेरे अभी करंट रेडार पे है जहाँ पे मैं पोजिशन बनाने के बारे में या फिर अपनी पोजिशन को बढ़ाने के बारे में सोच सकता हूँ इन शॉर्ट टर्म प्रस्पेक्टिव और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर मुझे एक दिन में टेन टू फिफ्टीन परसेंट का रिटर्न मिल जाता है कोई स्टॉक आपको इतना अप मूव दे रहा है या दो दिन में आपको दस परसेंट रिटर्न मिल जाता है तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में जरूर सोचना चाहिए इन विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट टर्म राइट अगर उसके बाद भी स्टॉक ऊपर चले जाए दैट्स कम्पलीटली ओके आपको अपना रिस्क मैनेज करना चाहिए या फिर आप अपनी प्रॉफिटेबल अमाउंट को बाहर निकाल सकते हैं और जो आपका एग्जिस्टिंग अमाउंट था उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं या उसके साथ उस स्टॉक में बने रह सकते हैं आपको अपने प्रॉफिट्स को बुक करना भी सीखना चाहिए दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मेकिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट इट शुड नॉट बी दैट आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक को खरीद लिया पंद्रह सौ रुपए पे जस्ट लाइक एच डी एफ सी बैंक एंड लास्ट तीन साल से वो स्टॉक वहीं पे पड़ा है एंड यू आर नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट स्विंग इन्वेस्टमेंट्स एंड मोमेंटम इन्वेस्टमेंट्स में यू हैव टू बी वेरी एग्रेसिव एंड यू हैव टू वॉच द मोमेंटम ऑफ द स्टॉक इन एवरी सिंगल डे राइट right. तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए आपको अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना चाहिए और लेवल्स स्पेशली लेवल्स को मेंटेन करना चाहिए अगर स्टॉक 52 वीक हाई ब्रेक हो रहा है या 52 वीक हाई रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जा रहा है तो दैट मींस आपको जो बाइंग करनी है वो 52 वीक के लेवल के ऊपर ही करनी है जो आपका मोमेंटम है वो अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आ रहा है और कोई पैटर्न बॉक्स पैटर्न ब्रेक कर रहा है या डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक कर रहा है तो आपके प्राइसेस और जो कैंडल्स की वैल्यू है दैट आर फिक्स्ड उन्हीं के लेवल्स के ब्रेक होने पे बाइंग को इनिशिएट करना है दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल तो ये जो तीन स्टॉक्स थे ये अभी रिसेंटली मेरे रडार पे है और आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू ऑफ दीज स्टॉक्स एंड रिसेंटली जितनी भी हमने वीडियोज़ प्रेजेंट की है